नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। आरबीआई ने पेटीएम को दी 15 दिन की मोहलत, वॉलेट और पेमेंट बैंक के लिए 15 मार्च तक बढ़ाया टाइम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी माने जाने वाले विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत हो गई है। एलेक्सी नवलनी पिछले काफी समय से जेल में बंद थे। बता दें कि नवलनी को 19 साल की सजा मिली थी। चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व विधायक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई और पार्टी के हर कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया। बिहार में आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में सांसद मनोज झा और संजय यादव को उम्मीदवार बनाया। बता दें कि संजय यादव तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले में सरकार फुल एक्शन मोड में है, जहां इसको लेकर उत्तराखंड में तलाशी अभियान और हिंसा के आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया है, जिसमें कुछ नए चेहरे को शामिल किया गया। बता दें कि बसंत सोरेन को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, जबकि सीता सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एम्स का भी शिलान्यास किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भेजी गई है, जहां यह सिफारिश एनसीएससी ने राष्ट्रपति को सौंप दी है। हरियाणा और पंजाब के संभू बॉर्डर पर फिर से तनाव देखने को मिला, जहां युवा प्रदर्शनकारियों के उकसाने के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। उधर कल देर रात चंडीगढ़ में हुई सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर के बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब अगली बैठक रविवार को होगी। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में विशेष बल के चिंगारेल शिविर से हथियारों और गोला बारूद की लूट के मामले में इंडिया रिजर्व बटालियन के 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन 7 जवानों पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार गुट, एनसीपी नाम को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग। अब और पुख्ता होगी भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा, रक्षा मंत्रालय ने 15 गश्ती विमान खरीदने को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली प्रखंड के रास्ते में रामपुर गांव में रोके जाने के बाद भाजपा का 6 सदस्यीय दल धरने पर बैठ गया। बता दें कि इलाके में धारा 144 लागू है, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी नहीं हो सकती। मासिक वेतन 26,000 करने की मांग को लेकर गुजरात की करीब 1,00,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज से 2 दिनों के हड़ताल पर चली गई हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी ना होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है, देश सफलता के नए कीर्तिमान को छू रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कुरुंद विधायक अजय चंद्राकर ने आज विधानसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक अशासकीय संकल्प पेश किया, जो कि विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके बाद अब जल्द ही प्रदेश में पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकेगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर ने होमगार्ड जवान से अभद्रता करते हुए अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने होमगार्ड को अपनी हद में रहने को कहा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने डॉक्टर पर एक्शन लेते हुए उसे हटा दिया है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अली खड़ पानी विवाद पर एक बार फिर से हंगामा हुआ, जहां बीजेपी ने दूसरे दिन भी सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा सदस्य रणधीर शर्मा ने नियम 62 के तहत सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि अगर लोगों पर दबाव बनाया जाएगा तो वह आंदोलन ही करेंगे। किसान आंदोलन का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने 50 ट्रेड यूनियन नेताओं को हिरासत में लिया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।